कोविड-19 जिस तेजी से फैल रहा है वह चिंता का विषय है। भारत में इस महामारी की वजह से अब तक लगभग 80,000 से ज्यादा लोगों की मौतें हो चुकी हैं और केसेस दिन प्रतिदिन बढ़ ही रहे हैं। या ये सब कुछ बढ़ रहा है हमारी लापरवाही की वजह से या हमारी अज्ञानता की वजह से। अगले 3 महीने, आने वाले 3 महीने और भी कठिन होने वाले हैं। हेलो एवरीवन, मैं ओपी सिंह। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के चेयरमैन मिस्टर टेड्रोस एडहनॉम, उन्होंने क्या कहा है दुनिया में बढ़ती हुई इस महामारी के बारे में, आइए सुनते हैं। That some countries have either not taken this seriously enough or have decided there is nothing they can do. We're concerned that in some countries the level of political commitment and the actions that demonstrate that commitment do not match the level of the threat we all face. भारत में जबकि स्कूल कॉलेजेस वगैरह सब बंद है, सिर्फ कुछ परीक्षाएं हुई है जिसको टाला नहीं जा सकता था और केस बढ़ी रहे, सरकार ने लॉकडाउन को चरमबद्ध तरीके से खत्म किया है, खत्म करने की कोशिशें की है ताकि लोगों का रोजगार भी चलता रहे, लेकिन उसके बावजूद ये केस कम नहीं हुए। जिस तेजी से ये फैल रहा है उसकी एक वजह ये भी हो सकती है कि हम उन सब बातों को ध्यान में नहीं रख रहे हैं, हम लापरवाह हैं। आइए यहाँ कुछ लोगों के विचार सुनते हैं, जिनमें एक स्टेट बैंक के रिटायर्ड मैनेजर हैं, एक डॉक्टर हैं और एक इंजीनियर। हमारी गवर्नमेंट, हमारी स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, लोकल म्यूनिसपैलिटीज बहुत ही मेहनत कर रही है कि ये महामारी हमारे देश से कम हो, लेकिन हमारे देशवासी इनकी बातों को नहीं मानते। पहली बात, घर से जब तक कोई जरूरी काम नहीं है नहीं निकलना चाहिए। दूसरा, अगर निकलते हैं तो मास्क के सिवा बिल्कुल नहीं निकलें। तीसरा, बार बार सैनिटाइजर वापरें। रास्ते पे चलते चलते रेलिंग को हाथ लगाना, कोई मिल जाए तो उससे हाथ मिलाना, ये चीजें आज हमें नहीं करनी है, लेकिन क्योंकि हमारी आदत है, हमसे हो जाता है, तो हमें इमीडिएटली जेब से सैनिटाइजर निकाल के हाथ साफ कर देने चाहिए। कभी भी क्राउड में न जाएं, ज्यादा किसके नजदीक न जाएं, हमें पता नहीं है कि हम जिसके नजदीक जा रहे हैं वो आदमी शिकार हुआ है या नहीं। कोविड-19 हा काळजी करण्यासारखा आजार आहे, आपण योग्य ती काळजी घेतलीच पाहिजे, यामध्ये घाबरण्याची काही गरज नाही। या आजाराने आतापर्यंत भारतामध्ये 80,000 लोकांचा मृत्यू झालेला आहे आणि 49,00,000 लोकांना याची लागण झालेली होती। आता या आजारामध्ये रोग प्रतिकार क्षमता वाढवणे हेच आपल्या हातात आहे आणि योग्य ती काळजी घेऊन दक्षता घेऊन राहणे आपल्या हातात आहे। यासाठी आपण व्हिटॅमिन सी, लिम सी, झिंक आणि व्हिटॅमिन झिंकोव्हिट आणि कॅल्सिफिट कॅल्शियम आणि व्हिटॅमिन D3 या गोळ्याचं सेवन करून आपलं आरोग्य चांगलं ठेवावं, म्हणजे आपली रोग प्रतिकार क्षमता चांगली होईल। प्रॉब्लेम इज द पॅन्डेमिक इज नॉट येट ओव्हर, इट इज ऍट इट्स पीक यू कॅन से, अँड पीपल हॅव नाऊ मोर फ्रीडम टू मूव अराउंड, बट द थ्रेट इज रियल, इट इज रियल क्लोज टू होम। द हॉस्पिटल्स आर ओव्हरवेल्म्ड, there are not enough seats, there are not enough beds, there are not enough doctors. The doctors have been very hard pressed, they have been working relentlessly day in day out. If you have
to go out, make sure it is most important that you have very urgent work or important work and a solid reason to go out. If you have to go out, wear a mask. When you return, wash your hands, remove your clothes, put it in the washing machine. It's mandatory. Use a sanitizer always. Don't shake hands. Keep a distance with people you know or you don't know, doesn't matter. Keep a distance. Your safety is in your hands. The government could do so much, and here they have done. Now it's time to open up. Businesses cannot be closed for any longer. So it's up to you now to take care of yourself and ensure that you and your family is safe. It is not only you, people in and around you are safe. इन सभी लोगों का एक स्टेटमेंट तो कॉमन है, वो एक बात पे जोर दे रहे हैं कि जब तक जरूरत ना हो घर पे रहें, घर से बाहर ना निकले। और अगर आपको घर से जब बाहर जाना ही पड़ रहा है तो आप मास्क जरूर लगाएं, बिना मास्क के घर से बाहर नहीं निकले। ये सभी लोग कह रहे हैं, जो साइंटिस्ट हैं, डॉक्टर्स हैं, बिना मास्क के आप घर से बाहर मत जाइए। थोड़ा अनकंफर्टेबल होगा, मैंने देखा लोगों को मास्क निकाल देते हैं या नाक के नीचे कर लेते हैं। अरे भाई, उसी नाक से तो वायरस अंदर जाएगा, इसके लिए मास्क दिया हुआ कि आपके लिए पूरा पॉट हो जाए, आप उसको मत निकालिए। अगर आपने मास्क पहना हुआ है तो आप प्रोटेक्टेड है, अगर आपने मास्क नहीं पहना है तो चांसेस है कि आप कोविड से इन्फेक्टेड हो जाए और आप पॉजिटिव हो जाए। ओके फ्रेंड्स, इफ यू लाइक दिस एपिसोड प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।